ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी को मेरा प्रेम आदर स्नेह और आशीष भरा हार्दिक अभिनंदन। ये देखिए, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने पास हूँ मैं इनके। देखिए ये मैडम यहाँ बैठी हैं शिकार के इंतजार में। देखिए कैसे मैं बिल्कुल पास हूँ। और यहाँ पे क्योंकि वो चिड़ियाँ आती हैं, मैंने आपको कई बार दिखाई हैं, इसलिए ये अपने चुपके से यहाँ पे बैठे हैं कि मैं अपना शिकार करूँगी। और मैं इस बिल्ली के माध्यम से भी आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जो कोरोना वायरस है वो ऐसी हमें दिखाई नहीं देगा जैसे ये बिल्ली बैठी है देखें शिकार के इंतजार में, कि जैसे ही कोई चिड़िया यहाँ पे आएगी इस शाखे पे बैठ के अपना सोचेंगे कि कैसे देखिए टहनी है, झूम रही हैं, हवा चल रही है, तो बिल्कुल देखने में लग रहे है कुछ नहीं है, यहाँ पे साफ सुथरा है। ऐसी जो कोरोना वायरस है वो भी हम सब सोचते हैं कि हम भी ठीक हैं और सभी कुछ ठीक है। कल हमारे रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था और वही कहा उन्होंने कि हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और कल मैंने भी अपनी जो एक सुबह वीडियो डाली थी उनका तो खैर बाद में आया था जो उन्होंने संबोधन किया था राष्ट्र का, और मेरा भी उसमें यही टाइटल है कि मैंने कहा था वायरस से लड़ने की ज़रूरत है, डरने की नहीं लड़ने की। और लड़ना कैसे होएगा कि हमें बहुत सुरक्षित रहना, बाहर ना निकलें। और जैसे फेरी वाले आ रहे हैं इनसे भी अभी करेंगे भगवान भरोसे जो भी, तो अभी कुछ ना ज़्यादा करें शॉपिंग। और ये देखिए जैसे यहाँ पे अगर कोई चिड़िया आएगी तो ये एकदम झपट्टा मारेगी इसके ऊपर। और एक दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, मेरे ऊपर क्यों नहीं मार रही, क्योंकि इसे पता है कि मेरे ऊपर इसका बस चल नहीं सकता। और इसलिए जिन जो मनुष्य जो भी हम जितने हैं ह्यूमन बींग्स, हम जितने भी हैं मानव जाति, और जिनकी अगर जो ये क्षमता होती है ना कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है, उनके ऊपर वायरस का अटैक नहीं पड़ सकता। तो अपनी इम्यूनिटी को भी बहुत स्ट्रांग रखना है हमें, अपना खान पान गर्म पानी पिए और थोड़ी एक्सरसाइज करें रोज, ताकि हम लड़ सकें इस वायरस से। और मुझे तो लग रहा है कि इसने काफ़ी शिकार कर लिया है, पेट भर गया है इसका, ये थक गया है, जाना तो है ही इसने में। ऐसी वायरस भी जाएगा तो है, खैर ऐसी बात नहीं है कि परमानेंट कोई चीज़ होती है, लेकिन उसके लिए हमें यह है कि मैं आपको फिर एक बार रिपीट करूँगी कि एक तो अपने जो मुख्य द्वार का हैंडल होता है उसे ज़रूर साफ़ करें, और जब भी उसे पकड़ें आप गेट खोलें उसमें पता नहीं कितने हाथ लगते हैं, सबसे ज़्यादा बीमारी हाथों से फैल रही है। और जैसे हम ब्रेड लाते हैं और पैकेट्स वाला दूध लेते हैं तो उस पैकेट को भी पहले धो लीजिए अच्छी तरह, क्योंकि उसमें भी पता नहीं कितने हाथ लगे होंगे। ब्रेड है जैसे ब्रेड को जो खोलते हैं रैपर किसी भी चीज़ का, तो उसे खोलने के बाद पहले हाथ धो लेंगे तब आपने अंदर खाने की चीज़ को टच करना है। हाथ धो के जैसे आपने अगर कोई ब्रेड है उसका रैपर खोला या किसी बिस्किट वगैरह का, तो उसके बाहर क्या पता लगा, दिखाई थोड़ी ना देगा। बिल्कुल ये ठीक उसी तरह है जैसे ये बिल्ली मैडम बैठी है छिपके, ये देखिए दिख लिया आगे। तो जैसे बिल्ली बैठी है छिपके कि कोई शिकार आएगा और मैं उसे झपट लूंगी, तो बस वही हाल है। और वो तितली यहाँ गई थी अभी तो ये एकदम चौकन्नी हो गई, क्योंकि तितलियों को भी झपटती है, मक्खियों तक को झपट लेती हैं ये बिल्लियां। अब मैं आपसे फिर एक बार ये कहना चाहूंगी कि आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, बाहर कम से कम निकले, बहुत जरूरी काम है कोई तो जाइए बाहर, और अपने गेट के हैंडल को बेल बटन है जो उसे, इन सब चीज को जब भी आप टच करेंगे तो आपने हाथ धोने, कोई गेस्ट आ ही जाए अगर कल तो वैसे नम्र निवेदन कर ही दीजिए कि अभी नहीं मिलने जुड़े जाते तो अच्छा, लेकिन अगर आ ही जाते हैं कोई तो उन्हें हैंड वॉश कराइए सबसे पहले। मुझे कल जाना पड़ा था कहीं, मैं वहाँ गई हूँ जो, क्योंकि मैंने गेट खोला फिर अंदर जाके मैंने वो दरवाजा के हैंडल को पकड़ा है, तो मुझे लग रहा था कितने ही लोगों ने इसे पकड़ा होगा, तो मैंने पहले हैंड वॉश किया और तब मैंने चाय ली।
और बस यही करें आप, अगर ये सावधानियां रखेंगे तो। और काफी दूरी पे बैठे, सबसे फासला बना के बैठे, ये ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। और अगर हैंड वॉश नहीं मिल रहा है, मैं फिर आपसे एक बार कहूंगी कि नीम का पानी, तुलसी का पानी, ये पका के काढ़ा बना के रख लो, उससे हाथ धोएं। और कोई भी मुसीबत जब आती है तो लगता है पता नहीं कब जाएगी, जैसे बैठी हुई बिल्ली चिड़िया के इंतजार में, लेकिन ये जाएगी तो है ही एक ना एक दिन, और जब ये जाएगी तो फिर आएंगी बाहर ऐसे इन फूलों की तरह। खुश रहिए, सतर्क रहिए, और जल्दी ही कोरोना को बाय बाय कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलूंगी किसी नई बात के साथ।